नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के बरेली से। प्रेमनगर इलाके में 35 साल के सीमेंट सरिया व्यापारी सिद्धार्थ रोहतगी की सर कुचलकर उन्हीं के ही घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। देर रात 10:30 बजे तक सिद्धार्थ ने मोबाइल पर रिश्तेदारों से बातचीत भी की थी। घटना जिस वक्त हुई उस दौरान घर में सिद्धार्थ के अलावा घर का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। सिद्धार्थ की पत्नी इस दौरान अपने मायके गई हुई थी। तब सिद्धार्थ को भी अपने ससुराल जाना था, लेकिन किसी काम के चलते अपने ससुराल घर नहीं जा पाए थे। आज सुबह जब बहुत देर तक सिद्धार्थ ने घर का दरवाजा नहीं खोला तो रिश्तेदार दीवार फांद कर घर के अंदर गए। मौके पर सीमेंट सरिया व्यापारी का सर कुचला हुआ सब लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ था। सीमेंट सरिया एजेंसी की दुकान के ऊपर ही व्यापारी का घर बना हुआ था। रिश्तेदारों ने बताया कि सिद्धार्थ मखान में अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे। सिद्धार्थ और अनुपमा की शादी 2016 में हुई थी। उनकी शादी को महज अभी 3 साल ही हुए थे। रिश्तेदारों ने प्रेमनगर पुलिस थाने में घटना की जानकारी दी, जिसके फौरन बाद पुलिस निरीक्षक ने मौके वारदात तक पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण भी किया। सीमेंट व्यापारी की हत्या के मामले में FIR दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। डेड बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इस मामले में SP City बरेली अभिनंदन ने मीडिया से बातचीत कर घटना की पूरी जानकारी साझा की। इंडिया खबर लाइव के लिए बरेली से जावेद सईद खान के साथ सलमान वारसी की रिपोर्ट। आपको कैसे पता चला? हमको हमारा भांजा यहाँ रहता है यहीं पर नियरेस्ट, और वो उसके मैसेज हमारे तक मोबाइल थाना प्रेमनगर एरिया में, यहाँ कोहड़ा फील्ड के पास एक जगह एक मर्डर हुआ है और बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई चली। तो कैसे हत्या को अंजाम दिए गए? अभी जो प्रेमा फेसी सीन ऑफ क्राइम को देख के लग रहा है कि सर के धारदार हथियारों से वार किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। और उसके अलावा बाकी जो कारण है, एग्जैक्ट कारण, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए आधार पर हो सकता है।